Introducing TVS Eurogrip with built-in backup technology. TVS Eurogrip, the bike tire specialist. भारत के साउथ में आके साउथ अफ्रीका ने जीता मुकाबला और T20 श्रृंखला हुई एक एक पे समाप्त। TVS Eurogrip presents hashtag आकाशवाणी। अब ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था भैया, ऐसा आपने भी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि ये मैदान उस प्रकार का है, सामने वाली टीम बड़ी कमजोर है। लेकिन भारतीय टीम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हम सिर्फ टीम को नहीं देख रहे, हम विपक्षी टीम को नहीं देख रहे, हम सिर्फ नतीजों की तरफ नहीं देख रहे, हम अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम अपने आप को चैलेंज भी करेंगे। और उस चुनौती के निर्णय के साथ, उस मंशा के साथ टॉस जीतकर कप्तान कोहली ने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। अब देखिए, बैटिंग अमूमन चिन्ना स्वामी में कहते हैं पहले नहीं करनी चाहिए, चेज करने के लिए बड़ा अच्छा ग्राउंड है ये, और ओस के भी आने के आसार काफी थे, तो फिर बल्लेबाजी और आसान हो जाती है। पर कप्तान कोहली ने कहा नौ नंबर तक बल्लेबाज खिला रहे हैं, हम पहले बैटिंग भी करेंगे और अलग अंदाज में बैटिंग करेंगे। और वो हमें शुरुआत में ही देखने को मिला, जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत की भारत ने। ऐसा लग रहा था हर बॉल पे चौके मारने का प्रयास हो रहा था। शिखर धवन कभी स्टेप आउट करके, कभी ऑफ स्टंप की तरफ चल के, कभी पीछे घुसकर वही काम कोहली करते हुए नजर आए। शुरुआत में रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगा रहे थे, लेकिन जब तीन खिलाड़ी आउट हुए तो फिर एकदम से समझ में आया कि देयर इज अ स्पैनर इन द वर्क्स बॉस। और भारतीय टीम हालांकि रणनीति बदली जरूर है, लेकिन अभी भी टॉप तीन पर बहुत बुरी तरह से निर्भर है। अगर टॉप तीन अच्छा करते हैं तो सब चीजें लगती हैं अच्छी हैं, अगर टॉप तीन जल्दी आउट हो जाए तो फिर रणनीति आप कैसी भी बना लीजिए, आप बल्लेबाजी में कितनी भी गहराई डाल लीजिए, उस गहराई में अमूमन आप डूब जाते हैं, ऐसा हमें इस मैच में पता चला। खैर, कहते ना पहला मैच है, एक मैच बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, लेट्स नॉट लूज पेशेंस। पर बात ये भी सच है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए, राणा बॉल 18-19 रन बनाए और खराब शॉट मार के आउट हुए एक बार फिर। अब साथ में थे श्रेयस अय्यर, दो गेंद पहले आउट हुए थे ऋषभ पंत, तो वो भी आउट हो गए, बड़ा शॉट मारने गए, क्योंकि शायद टीम का ये मोटो था कि आज हम 9 नंबर तक बल्लेबाजों के साथ उतरे हैं तो हम एक्सेलरेटर पे पांव दबाए रखेंगे, हम गियर नहीं बदलेंगे, हम वी आर गोइंग टू फ्लाई। पर ऐसा हुआ नहीं। कुणाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जाडेजा, अंत तक वो 9 नंबर तक की बल्लेबाजी किसी काम भारत के आई नहीं। 134 कुल बनाए भारत ने, एंड दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि 134 इस पिच पर साउथ अफ्रीका कमजोर जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि ना 134 भी ना बनाए। और वही हुआ, टीवीएस यूरोग्रिप प्लेयर ऑफ द मैच कौन निकले? क्विंटन डी कॉक। और वो सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज है बॉस, क्योंकि जिस तरीके से खेले हैं, हर शतक तो पहले मैच में भी जड़ा था, हर शतक यहाँ पे भी जड़ा, लेकिन इस बार नाबाद रहे, अंत तक अपनी टीम को जिता कर गए। और शुरू में तो क्या शॉट लगाए इन्होंने, छक्के छक्के मार रहे थे भाई, खिलाड़ी एकदम टॉप क्लास है। साउथ अफ्रीका इज इन गुड हैंड्स, जब आप उनकी कप्तानी की या कहीं बल्लेबाजी की बात करते हैं, कप्तानी में अभी भी उम्मीद है कि उनके और सुधार होगा, निखार आएगा। रबाडा ने 3-4 विकेट जरूर चटकाए, 3 विकेट चटकाए, ब्यूरन हेंड्रिक्स ने विकेट चटकाए। अभी भी मैं आई वॉज नॉट 100% कन्विंस जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों को इधर उधर घुमाया, पर अंत भला तो सब भला, तो बहुत अच्छा हुआ, वहां पर टीम को रोका। और टीम इंडिया के लिए इसमें क्या सीख मिली? देखिए, एक तो ये कि रणनीति के अनुसार आप अपना खेल नहीं बदलते, अमूमन आप परिस्थितियों को देखकर अपनी रणनीति बदलते हैं। ये एक सीख जरूर है कि क्या भारत को ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए था, क्योंकि परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बल्लेबाजी में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी। क्या वो जो खेलने का टेम्पो था, क्या उसको बदलने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या आप रिस्क विनर्स को मिस नहीं कर रहे? और ये होगा, ये बार बार सवाल पूछा जाएगा जब जब टीम इंडिया फेल होने वाली है ना, ये नई रणनीति के साथ, तो ये पूछेंगे यार रन कम है तो कम से कम वो चहल कुलदीप होते तो शायद विकेट चटका देते। तो ये एक और सवाल बड़ा आया है। पॉजिटिव्स के रूप में देखे तो वॉशिंगटन सुंदर और दीपक चाहर, दो खिलाड़ी ने अच्छा किया प्रदर्शन, लेकिन उसके अलावा ये T20 श्रृंखला छोटी सी थी, और ये होता है T20 आइज में, ज्यादा आपको पता करने को मिलता ही नहीं है। कोहली ने रन बनाए और किसी और बल्लेबाज के बल्ले से तो रन ज्यादा निकले ही नहीं है। जब ऐसा रहता है ना, शिखर धवन अच्छी फॉर्म में लगे एटलीस्ट, यस। सो शिखर धवन स्लाइट पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव इन विराट कोहली, बट अदर देन दैट यू कांट रियली लुक टू मच। ये सीरीज 1-1 पे बराबरी, यानी कि इंडिया ने, दे हैव लॉस्ट आउट। 3 नंबर पे थे वो ICC T20 रैंकिंग्स में, अब उसके नीचे घिसल गए हैं और साउथ अफ्रीका चली गई है आगे। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में ना ये भी बताइए कि यार ये जो रणनीति है, ये जो 9 बल्लेबाजों वाली जो रणनीति है, डू यू अग्री विद इट और डू यू वांट दैट टू चेंज? कि चलिए कुलचा वो खिलाइए, 5 बॉलर पूरे खिलाओ यार।